हम कहते हैं हिंदू की क्या बात कर रहे हैं, हिंदू की बात तो नहीं, सारे इंसान की बात करो और जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आपको ये लग रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान कहीं हमने कोर कसर छोड़ दी इस ताने बाने का, तो कहीं सत्ता हमारे हाथ से खिसक न जाए। गुजरात का ये भगोड़ा आकर के देश में प्रधानमंत्री बन बैठे और ये जो है यही हिंदू से परिभाषा शुरू किया है। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने ये भी बोला है बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में नहीं होगा। पर इसी पर विपक्ष भी लगातार तंज कसता रहा है और उन्होंने बोला है कि जो बयान है वो देश को बांटने वाला बयान है, और जो पक्ष के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो बयान है वो राष्ट्रीय एकता से जोड़ रहे हैं उसको। तो इसी पर लखनऊ की जनता की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आइए बात करते हैं, सीएम योगी ने बयान दिया है बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको बता दें, एक योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखनाथ मंदिर के एक पीठ माने जाते हैं, महंत भगवान के दूसरे रूप में हैं, और उनको ऐसे मतलब बयानों का न करना चाहिए। पूर्व में भाजपा में मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी भी रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी भी रहे। हम कहते हैं हिंदू की क्या बात कर रहे हैं, हिंदू की बात तो नहीं, सारे इंसान की बात करो और जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी की जाति जनगणना की तो बात करेगी नहीं, करेंगे नहीं, और इस तरीके के बयानों देते उनको शोभा नहीं देता है। यही भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदू से ज़्यादा मुसलमान पूज रहा, वहीं पर माननीय राजनाथ सिंह जी को हिंदू से ज़्यादा मुसलमान पूज रहा है, समझू। इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं, ये बयान जो है एक फायदादायक नहीं है। ऐसे बयानों को मुख्यमंत्री जी के हम लोग तो नहीं संतुष्ट हैं, बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहेंगे जो करेंगे वो सबका करने मान्य होगा, समझू। इसके अलावा और एक बात, जाति जनगणना, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, सीएम योगी ने बयान दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और सीएम योगी जो उन कहीं सत्य कहें, हाँ, विपक्ष तो पलटवार कर रहा है, वो तो काम है उनमें पलटवार करे, हाँ, जितना बढ़िया काम हो उतने बढ़िया मुख्यमंत्री है। बटेंगे तो कटेंगे, सही बयान है। बटे कहाँ तब बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, मतलब कि एक रहेंगे तो सब नेक रहेंगे, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं योगी जी, सत्य यही है, कोई छोड़े नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के संदर्भ में देखिए, यहाँ दो सवाल हमको गंभीर लग रहे हैं। पहला ये कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, दूसरा ये कि मुख्यमंत्री जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो पहले तो इनका अधिकार क्षेत्र में भी वो नहीं आता कि एक राष्ट्र की आलोचना, एक राष्ट्र को एक एग्जाम्पल के तौर पर विश्व के पटल पर रख करके हम एक मुख्यमंत्री होने की हैसियत से बांग्लादेश की एकता पर सवाल खड़ा करें, बांग्लादेश के सिस्टम पर सवाल खड़ा करें, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान करने का रचना रचें। हम समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी को हो क्या गया, मुख्यमंत्री जी को इससे अच्छा कि उत्तर प्रदेश में ये बताना चाहिए कि 7.5 साल में हमने बिजली के क्षेत्र में कितना काम किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, हमने उद्योग धंधे के क्षेत्र में कितना काम किया, हमने लाइन ऑर्डर के क्षेत्र में कितना काम किया, हमने स्वास्थ्य सेवा में कितना काम किया।
लेकिन हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का आज तक कोई डिबेट कोई भी पर जो समर्थक है वो तो कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता से इसको जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमको एक बात आप समझिए, अगर राष्ट्र की बात है, सुरक्षा की बात है, तो राष्ट्र राष्ट्र है, इस भारत में जो भी है भारतीय है, ठीक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब लोग एक ही भारतीय हैं। तो हिंदू का कहां से सवाल आ गया, यहां हिंदू का कहां से जिक्र आ गया, और हिंदू की बुनियाद कब पड़ गई? नहीं, आप जो है अपने सवाल में, अपने शब्द में, खुद अपने वक्तव्य के परिधि में आकर के खुदे, या तो आपको यह भी नहीं कहा जा सकता कि आप अज्ञानता से प्रेरित बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हिंदू मुसलमान बगैर, आपको ये लग रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान कहीं हमने कोर कसर छोड़ दी इस ताने बाने का, तो कहीं सत्ता हमारे हाथ से खिसक न जाए। कटना पीटना बाद की बात है, अब आज वो दौर चल रहा है कि कोई किसी को न काट सकता है न पीट सकता है, कि ये केवल बकवास और पन्ने में है। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि कटना मुसलमान बांग्लादेश भारत की बात छोड़िए, आप बताइए कि जिस प्रदेश में आप 7.5 साल से मुख्यमंत्री है, कई 100 मेगावाट बिजली का आपने परियोजना रखी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी गन्ना मिल आपने खोली, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने 1000 किलोमीटर नालों का निर्माण किया, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने ट्यूबवेल आपने के द्वारा लगवाया गया, आप बताइए कि आपके द्वारा कितनी यूनिवर्सिटियां खोली गई, आप बताइए कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। बकवास की बात बंद करिए, मुद्दे पर आइए। इसलिए कि 6 करोड़ नौजवान आज सड़क पर दर दर की चाय पीने के लिए तड़प रहा है, आ हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान, ये करने से काम चलेगा? ये करके आप उत्तर प्रदेश का भविष्य का निर्माण करेंगे? नहीं, आप जो है अपने कैडर की गरिमा को बखूबी कायम रखिए और बताइए कि आपके द्वारा कितने उद्योग लगाए गए, आप बताइए कि कई 1000 किलोमीटर नहरों का आपने निर्माण किया, आप बताइए कि कितने आपके द्वारा ट्यूबवेल्स लगाए गए, आप बताइए कि आपका लाइन ऑर्डर का शक्ल और स्वरूप क्या है, आप बताइए कि आपने दलितों के लिए क्या किया है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री को इस बात पर डिस्कशन करना चाहिए। आ हिंदुस्तान को काटने और पीटने की औकात न दुनिया में किसी देश के पास रही है, और न आज है और न कल होने वाली है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या चीज? सीएम योगी ने जो बयान दिया था, बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे इस पर। पहले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति होना चाहिए या देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? यदि देश का प्रधानमंत्री बने तो कोई बात करे। भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं और कितने केंद्र शासित हैं कुल आप जान रही हैं, कहने की आवश्यकता हमको नहीं है। लेकिन हमारे देश का जो मुख्यमंत्री योगी जी बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, लाल किशन आडवाणी हिंदू नहीं थे, गुजरात का ये भगोड़ा आकर के देश में प्रधानमंत्री बन बैठे, और ये जो है यही हिंदू से परिभाषा शुरू किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, योगी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, नौजवानों को नौकरी दें, बेरोजगारों को रोजगार बनाएं, और उन्होंने तो एक रहने की बात कही है ना कि एक रहेंगे तो सुरक्षित। समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ। जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरा देश लगा था भारत को, तो उसमें चाहे सिख ईसाई नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, आखिर वो नारा कहाँ चला गया? क्या इन्हीं के परिभाषा में आएगा वो नारा?
क्या यही योगी जी जानेंगे परिभाषा? तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे, आपके माध्यम से, कि भगवान योगी जी को सद्बुद्धि दे और देश एकता की बात करें। बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने ही बांग्लादेश बना दिया था, इन्होंने नहीं बनाया था, इनके पूर्वजों ने नहीं बनाया था, माननीय आपके प्रदेश के जो कभी मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने नहीं बनाया था। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की नींव रखी थी और बांग्लादेश उस तर्क पे बना था। रही बात, आप आज बांग्लादेश की जो समस्या उठ रही है या बंगाल की जो समस्या उठ रही है, उसको कहे अब आप चुप हो गए, मणिपुर पर भी तो सवाल करो। जो आज भी मणिपुर अभी जल रहा है, कट रहा है, मर रहा है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं किया आपने। वहाँ तो हर जात के लोग हैं और यहाँ कटो मरो की बात कर रहे हैं। किससे कटेंगे, किससे मरेंगे? अपने भाई से कटेंगे, अपने भाई से मरेंगे? नहीं, योगी जी आप स्वयं उस पर मरिए और एक पहल कीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगवाइए और सारे देश को एक करिए। जैसे हमारा तिरंगा है, उसी ढंग से हमारे देश के लोग रहेंगे, उसी देश में हमारे प्रदेश के लोग रहेंगे, हम रहेंगे और आप रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमने लखनऊ की जनता से बात की, सबकी कुछ मिली जुली राय है और कुछ लोग बोल रहे हैं सुरक्षा को लेकर है, तो कुछ लोग देश को बांटने वाला बयान बोल रहे हैं इसको। अब देखते हैं राजनीतिक गलियारों में इसका क्या रुख अपनाती है राजनीतिक लोग। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं स्वाति, लखनऊ।